तुम्हारी बात पे तुम्हारे दोस्त हंसे तो मान के चलना बड़ा बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तुम बड़े बनना स्टार्ट हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है, इनका मतलब आपका लेवल अब थोड़ा ऊपर हो गया है। आप होंगे कैसे, एग्जाम्पल देता हूं, आप इस प्रोग्राम में आए हो, इस प्रोग्राम में आने के बाद अभी आप शाम को घर जाओगे, कोई हॉस्टल जाएगा, कोई फील्ड जाएगा, कोई गांव में जाएगा, कोई कस्बे में जाएगा, आप जाके इकट्ठे कर लो अपने 5-7 दोस्तों को, बुआ ताई सबको इकट्ठे करो, ताई ताई को, उनको कहो देखो सुनो जी मैं एक बात करना चाहता हूँ आज आपसे, सुनो मेरे को, आप तो सुनने बैठ जाएंगे, उनसे कहो आप लोग बड़े प्यार से, पहले मैं बोल रहा हूँ वैसे कि भाई देखो मैं आज एक स्पीकर को सुन के आया हूँ और मैं बहुत जोश में हूँ, और ताऊ जी मैं इस बार बोर्ड में 80% नंबर लेके आऊंगा, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है भाई, ठीक है ले आएगा 80% नंबर, क्योंकि 80% नंबर आपके समाज में बहुत कॉमन हो गए, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने मीटिंग की, मीटिंग करके कहा कि भाई मैं सुन के आया हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा हौसला बुलंद है, मैं बहुत से लोगों को देख के आया हूँ और मैं 80% नंबर लेके आऊंगा, आप बताओ क्या कोई विरोध करेगा आपका, कोई विरोध नहीं करेगा। अब आप आगे चलो, आप थोड़ा ऐसा जोश में बाएं चढ़ा के बोल दो आज मैं बस फोरम में हूं और अगले साल राजस्थान बोर्ड की फर्स्ट रैंक ले जाऊंगा, आपके फादर के दोस्त आपसे कहेंगे लगता थोड़ा बावड़ा हो गया, क्यों भाई तूने कहा मैं 80% लेके आऊंगा, तब तो क्या तुझे भैंस बांध के आ गया अपने गांव की भाषा में, और तू कह रहा है कि मैं स्टेट मेरिट लाऊंगा तो क्या उनकी तू भैंस खोल के लेके आ गया, ना तो तूने पहले कुछ उनको दिया और ना अब तूने उनसे कुछ लिया, लेकिन तेरे एक स्टेटमेंट पे तो वो तेरा साथ देता है, बिल्कुल ठीक है भाई हम तेरे साथ हैं, लेकिन जैसे ही तू स्टेट बोर्ड को टॉप करने की बात करता है, तू जेई एडवांस को टॉप करने की बात करता है, तू नेशनल टैलेंट एग्जाम जो नीट के एग्जाम मेडिकल की उसको टॉप करने की बात करता है, वो तेरे करने थोड़ा पावड़ा हो गया, पावड़ा नहीं हो गया तो उनसे थोड़ी हटके बात करने लग गया, और जैसे तू हटके बात करने लगेगा लोग आपका विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों एक बात सुन लेना बच्चों, बहुत से बच्चे और गार्जियन की गलती करते हैं, बच्चे को क्या कराना है इसकी राय किसी और से लेते हैं, ये जिंदगी में सबसे पहली गलती है, क्या करना है क्या बनना है ये फैसला बच्चे का होना चाहिए। और अगली बात पूरी करो, क्या करना है क्या बनना है इसमें किसी की मत मानो बच्चों, खुद के दिल की मानो, और उस बनने में तेरी बुआ तेरी मौसी तेरे सर तेरे नाना तेरी क्या सहायता कर सकते हैं, सहायता सबसे लो, सहायता दोस्तों संसाधनों की नहीं जाती है, खोपड़े की नहीं जाती, दिमाग कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। गांव में कहावत है कि भैया सब कुछ बट जाता है, सब कुछ जल जाता आग में, ज्ञान वो चीज है जो ना भाई भाई के बीच बटती है और ना आग में जलती है, वो खुद क्यों नहीं, पैसा क्यों के सारे, कोई आदमी बहुत बड़ी क्रॉस कंट्री दौड़ नहीं सकता, उसके लिए आपको खुद के इरादे खुद को मजबूत करना होगा।